काला धन किस तरीके से कमाया जाता है? जिनके पास बहुत सारा काला धन है, जो बहुत अमीर है, मैं आपको बताती हूँ। मान जाइए कोई उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है, वो 1000 रुपये का सामान बेचता है लेकिन बिल बनाता है 300 रुपये का। टैक्स वो 300 रुपये पर देता है, तो बाकी जो 700 हुए वो काले हुए। फिर वो काला धन का क्या करता है? मान जाइए वो 200 रुपये अपने खर्च के लिए रख देता है, बीवी के लिए जेवर, अपने लिए SUV, ऐसे ऐसे वो खर्च कर लेता है। वो बाकी 500 से क्या करता है? अब ये राज की बात है। हमारे देश में लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। कोई बड़ा उद्योगपति है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन को पैसे देने पड़ते हैं। वो पॉलिटिशियन उस 500 का क्या करता है? मान जाइए वो अपने लिए 200 रख लेता है, अपनी बेटी की बड़ी शादी के लिए, अपनी बेबी के जेवरात के लिए, अपने अच्छे घर के लिए वो ये रख लेता है। बाकी 300 वो इलेक्शन के खर्चे में इस्तेमाल करता है। वो कैसे करता है? पॉलिटिकल पार्टी आजकल उनको दिखाना पड़ता है कि उनका ऑफिशियल इनकम क्या है। तो मान जाइए पॉलिटिशियन वो 200 को लेकर के उसको दिखाना है, लेकिन वो 200 पे नाम नहीं दे सकता, तो क्या करता है? वो ऐसे दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टी कि हमें 20,000 से कम कैश में हमें ये आमदनी मिली है। और आज की तारीख में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, तो वो ये दिखाते हैं कि उनका जो आमदनी है, जो उनका इनकम है, 80% से ज़्यादा कैश डोनेशंस में, 20,000 के कम से कैश डोनेशंस में उन्हें मिला है। तो मान जाइए वो 300 में से 200 ऐसे कैश डोनेशंस में दिखाता है, बाकी 100 का क्या करता है? ऐसे खर्च करते हैं जो इलेक्शन कमीशन रोकना चाहता है, जो वोटरों को पैसे देना, शराब देना, कपड़े देना। और इस तरीके से काला धन हमारे इकोनॉमी में पैदा होता है और इस्तेमाल होता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है।